Hello and welcome to Phoenix Educare. Welcome to this video. So in this video we will discuss the history paper of 2022. So 10th Maharashtra Board का जो history paper था वो इस video में discuss करूँगा और उसके जो भी questions थे और जो भी answers थे वो हम देखेंगे. So first question है, choose the correct options from the given options and complete the sentence. तब ये जो चार options दिया था इसमें से एक option choose करना है जो correct होगा और इस sentence को complete करना है. So the first English newspaper in India was started by, जिसका करेक्ट आंसर है जेम्स ऑगस्टस हिकी. अगर हमें देखना है कि टेक्स्ट बुक में ये आंसर कहाँ है तो चेक करेंगे. तो अगर मैं टेक्स्ट बुक में जाता हूँ, ठीक है, सो टेक्स्ट बुक में पेज नंबर मैं डालूंगा पीडीएफ का, आप अपना टेक्स्ट बुक का जो पेज नंबर है वो देख लो, उसका उसमें आपको मिल जाएगा. तो हियर इट इज रिटन, द फर्स्ट इंग्लिश न्यूज पेपर इन इंडिया वॉज प्रिंटेड ऑन 29 जनवरी 1780 एंड इट वॉज नेम्ड एज कलकत्ता जनरल और बंगाल गैजेट. सो नेम न्यूज़पेपर का नेम था बंगाल गैजेट एंड इट वॉज स्टार्टेड बाई जेम्स ऑगस्टस हिकी. ओके, सो करेक्ट आंसर इज जेम्स ऑगस्टस हिकी. देन सेकेंड क्वेश्चन, द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उसका करेक्ट आंसर है अलेक्सेंडर कनिंगहम. सो अलेक्सेंडर कनिंगहम वॉज द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया. तो अगर हम देखेंगे तो इसका आंसर टेक्स्ट बुक में सेकेंड चैप्टर में इसका आंसर आता है. सो अलेक्सेंडर कनिंगहम वॉज द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया. ओके, then third question, the first museum in India is dash at Kolkata. So Kolkata में जो museum था, first museum था India का, उसका नाम क्या है पूछा है, ठीक है. तो अगर हम जाएंगे ये last chapter का question है, last chapter में अगर आप देखोगे तो यहाँ इसका answer आपको मिलेगा. The first museum in India, the Indian museum was established by Asiatic Society of Bengal in Kolkata. So इसका correct answer आएगा the Indian museum. तो यहाँ दिया है the Indian museum. Okay. तो ये सब जो आंसर्स आप थोड़े देखोगे ट्रिकी है, टेक्स्ट बुक अगर आपने ठीक से रीड किया होगा तो आप ये आंसर आराम से कर सकते हो. देन आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर इन द फॉलोइंग एंड रीराइट. तो रॉन्ग पेयर हमें ढूंढना है और करेक्ट करना है उसे. बेंजामिन टोडेला स्पेन, ये करेक्ट है. मार्को पोलो इटली करेक्ट है. इब्न बतूता इंडिया गलत है. युआंग श्वांग चाइना करेक्ट है. अभी ये क्या पूछा है कि ये जो ट्रैवलर्स है वो कौन से कंट्री से आए थे. तो बेंजामिन टोडेला स्पेन का था, मार्को पोलो इटली का था, इब्न बतूता रॉन्ग है, योंग श्वांग चाइना का है. तो अभी करेक्ट, तो इसमें रॉन्ग पेयर कौन सा है, इंडिया है. तो अगर आप जाओगे टेक्स्ट बुक में तो ये टूरिज्म वाला जो चैप्टर है उसके अंदर आएगा, आपको इसका आंसर मिलेगा. तो यहाँ देखो ये ट्रैवलर्स के बारे में दिया है, बेंजामिन टोडेला इज फ्रॉम स्पेन, मार्को पोलो इटालियन ट्रैवलर, इब्न बतूता इंडिया का नहीं है, ये इस्लामिक वर्ल्ड में वगैरह ट्रैवल किया था तो ये इंडिया का नहीं है. गेराडस मर्काटर सॉरी यहाँ दूसरा दिया है योंग श्वांग, ये चाइनीज मॉन्क है. तो करेक्ट आंसर है या इनकरेक्ट पेयर है इब्न बतूता इंडिया. देन मलखम फिजिकल एक्सरसाइज गेम, कबड्डी आउटडोर गेम, आइस हॉकी एडवेंचरस गेम, अट्टा पट्टा इंडोर गेम. तो इसमें रॉन्ग आंसर है अट्टा पट्टा इंडोर गेम, अट्टा पट्टा इज आउटडोर गेम. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज जेम्स ऑगस्टस हिकी, बंगाल गैजेट, बाल शास्त्री जांबेकर, दर्पण, भाऊ महाजन, ज्ञानोदय, बाल गंगाधर तिलक, केसरी. इसमें से इनकरेक्ट पेयर हमें ढूंढना है. जेम्स ऑगस्टस हिकी बंगाल गैजेट इज करेक्ट, बाल गंगाधर तिलक केसरी इज करेक्ट. तो अभी दोनों में से अगर आप देखोगे तो यहाँ अगर आप टेक्स्ट बुक में आते हो तो प्रभाकर जो न्यूज़पेपर है वो न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था भाऊ महाजन ने, ठीक है. सो प्रभाकर न्यूज़पेपर वाज स्टार्टेड बाय भाऊ महाजन. तो ज्ञानोदय इट्स इनकरेक्ट, प्रभाकर न्यूज़पेपर, भाऊ महाजन आएगा प्रभाकर. बाल शास्त्री जांबेकर दर्पण इज करेक्ट. सो भाऊ महाजन ज्ञानोदय इज इनकरेक्ट, भाऊ महाजन आएगा इसका करेक्ट, उन्होंने पेपर स्टार्ट किया था प्रभाकर, ठीक है. कंप्लीट द फॉलोइंग टाइमलाइन रिगार्डिंग द एनसाइक्लोपीडिया. एनसाइक्लोपीडिया का जो टाइमलाइन है वो टाइमलाइन आपको फिल करना है. तो ये अगेन लास्ट चैप्टर का क्वेश्चन है, अगर आप लास्ट चैप्टर में आओगे तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा. तो लास्ट चैप्टर में अगर आप देखोगे तो यहाँ दिया है, देखो भारतवर्ष प्राचीन चित्र कुचरित्र कोश, ये सब यहाँ दिया हुआ है. देखो भारतवर्ष प्राचीन ऐतिहासिक कोश, ये सब चीज आपको यहाँ मिल जाएगा. यहाँ इसमें से यहाँ ईयर भी दिया हुआ है और इसके कौन से जो एनसाइक्लोपीडिया लिखा था कौन से ईयर में ये भी दिया हुआ है. तो यहाँ से आप ढूंढ सकते हो, ये दो ये पेजेस में आपको उसका आंसर मिल जाएगा. तो आप रिफर करो टेक्स्ट बुक में और उसका आंसर निकालो, ठीक है. देन नेक्स्ट इज इंटरनेशनल स्पोर्ट्स. तो इंटरनेशनल स्पोर्ट्स आप कोई भी लिख सकते हो, क्रिकेट, फुटबॉल, ठीक है, उसके बाद पोलो या टेनिस, ये इंटरनेशनल स्पोर्ट्स में कोई भी लिख सकते हो. कंप्लीट द फॉलोइंग कंसेप्ट मैप, टेंजिबल कल्चरल हेरिटेज. तो टेंजिबल कल्चरल हेरिटेज अगर आपको देखना है तो ये आएगा सेकेंड थर्ड चैप्टर में आएगा इसका आंसर. तो थर्ड चैप्टर में अगर आप जाओगे तो यहाँ इसका आंसर है. देखो टेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में आप देखोगे बिल्डिंग्स, आर्टिफैक्ट्स, मैन्युस्क्रिप्ट्स, स्कल्पचर्स, पेंटिंग एक्सेट्रा, मतलब जिसे आप छू सकते हो वो होते हैं टेंजिबल, ठीक है.
देन नेक्स्ट इज राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सब अल्टर्न हिस्ट्री। सब अल्टर्न हिस्ट्री का अगर आप देखोगे तो ये आएगा सेकेंड चैप्टर में। सेकेंड चैप्टर में डायरेक्टली इसका आंसर आपको मिल जाएगा। यहाँ अगर आप आओगे यहाँ सब अल्टर्न हिस्ट्री के ऊपर डायरेक्टली आंसर दिया हुआ है, तो शॉर्ट नोट आपको इसमें से लिखना है। सब अल्टर्न मतलब क्या है, बॉटम मोस्ट रैंक ऑफ सोसाइटी के जो लोग हैं उनके बारे में लिखना है, ठीक है। देन अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन इज वोल्टेयर। वोल्टेयर के ऊपर आपको शॉर्ट नोट लिखना है। तो ये फर्स्ट चैप्टर का है, सीधा डायरेक्ट आंसर है वोल्टेयर के ऊपर। जो पैराग्राफ दिया है वो वोल्टेयर के बारे में वो आपको लिखना है एग्जाम में, ठीक है। यहाँ सीधा वोल्टेयर के बारे में जितना भी दिया है पूरा आपको लिखना पड़ेगा, 2 मार्क्स के लिए इतना पूरा लिखना पड़ेगा, ठीक है। देन लोअर म्यूजियम, लोअर म्यूजियम के बारे में पूछा है। लोअर म्यूजियम इज इन फ्रांस। लोअर म्यूजियम के ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है, ये भी आपको लास्ट चैप्टर में मिल जाएगा। तो लोअर म्यूजियम के ऊपर देखो यहाँ फ्रांस में दिया हुआ है, तो ये पूरा जो आप जो भी आपको लिखा है दिया है इसमें वो आपको पूरा लिखना है, ठीक है। देन वी विल गो टू गिव रीजन। वी मस्ट प्रिजर्व अवर कल्चरल हेरिटेज। सो कल्चरल हेरिटेज प्रिजर्व करना है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, जिसका गिव रीजन आपको लिखना है। ये गिव रीजन आपको पता है कि कल्चरल हेरिटेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर आपने कल्चरल हेरिटेज को ठीक से प्रिजर्व नहीं किया तो फ्यूचर जनरेशन को देखने के लिए मिलेगा नहीं। ये सब चीजें आपको उसमें लिखना है, ठीक है। ये सब चीजें आपको उसमें इसमें लिखना है। तो बेसिकली क्या होता है कि जो भी हेरिटेज है इट शुड बी प्रिजर्व, नेचुरल एंड कल्चरल हेरिटेज शुड बी प्रिजर्व। इफ यू आर नॉट प्रिजर्विंग दैट देन फ्यूचर जनरेशन विल नॉट बी एबल टू सी दैट वॉट एवर द थिंग्स दैट आर देयर इन इन करेंट स्टेट ऑल्सो दैट आर आवर नेचुरल एंड कल्चरल हेरिटेज। ये अपना हेरिटेज है तो उसको अगर हमने अगर प्रिजर्व नहीं किया तो जो भी लोग बाहर से उसे देखने के लिए आते हैं, जो फ्यूचर जनरेशन है, वो सब लोग देख नहीं पाएंगे। ये सब आपको लिखना है उसमें। नॉलेज ऑफ हिस्ट्री इज एसेंशियल इन राइटिंग न्यूज पेपर आर्टिकल्स। तो न्यूज पेपर आर्टिकल्स नॉलेज इन हिस्ट्री ऑफ राइटिंग न्यूज पेपर आर्टिकल्स, इसके बारे में आपको लिखना है। तो अगर आप फिफ्थ चैप्टर का क्वेश्चन है कि नॉलेज ऑफ हिस्ट्री क्यों इंपॉर्टेंट है न्यूज पेपर आर्टिकल्स लिखने में, तो अगर आप देखोगे न्यूज पेपर आर्टिकल्स के बारे में यहाँ दिया हुआ है, देखो मास मीडिया। सो न्यूज पेपर यहाँ से लिखना है आपको, न्यूज पेपर हैव टू फुलफिल द टास्क ऑफ प्रोवाइडिंग फ्रेश न्यूज टू रीडर्स। इट इज ऑल्सो नेसेसरी टू अनफोल्ड द बैकग्राउंड ऑफ इवेंट्स। ये 3 मार्क का क्वेश्चन है, तो आपको 6 पॉइंट्स सब लिखना है। तो यहाँ तक आप लिख सकते हो हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस तक। अगर आपके पास डाइजेस्ट वगैरह सब है तो उसमें से अगर आप आंसर पढ़ते हो तो वो भी डायरेक्टली लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टॉयज कैन टेल अस अबाउट टॉयज कैन टेल अस अबाउट हिस्ट्री। ये इसका भी डायरेक्ट आंसर आपको मिल जाएगा। अगर आप देखोगे तो टेक्स्ट बुक में डायरेक्टली आंसर दिया हुआ है इसका, गेम्स मटेरियल्स एंड टॉयज, या सीधा इसका एक पार्ट ही है टॉयज एंड हिस्ट्रीज। तो पहले टॉयज के बारे में लिखा है, तो ये आपने नहीं लिखा तो भी चलता है, गेम्स मटेरियल्स एंड टॉयज। यहाँ से सीधा लिखो टॉयज एंड हिस्ट्री, ये पूरा आपको कंप्लीट यहाँ तक लिखना है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट बालजी पंडित। रनिंग कॉमेंट्री ऑफ क्रिकेट ब्रॉडकास्टेड बाय बालजी पंडित ऑन आकाशवाणी वॉज एंटरटेनिंग। तब इसका डायरेक्टली आंसर दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में अगर आप जाओगे तो उसका डायरेक्ट आंसर आपको मिल जाएगा। बालजी पंडित के ऊपर एक पैराग्राफ दिया हुआ है, इतना ही आपको लिखना है और कुछ नहीं लिखना है, क्योंकि इतना ही उनके बारे में दिया हुआ है। तो उतना लिखोगे तो भी आपको अच्छे से मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। देन ये जो कॉपर प्लेट है, सौर गोरा का कॉपर प्लेट है, उसके बारे में पैसेज दिया हुआ है। पैसेज में के बेस पे क्वेश्चन पूछे गए और क्वेश्चन का आंसर निकालना है आपको पैसेज में से। वेयर वॉज द सौर गोरा कॉपर प्लेट, सोहा गोरा कॉपर प्लेट फाउंड। तो सीधा आंसर दिया है, देखो तो कॉपर प्लेट वॉज फाउंड इन सोहा गोरा डिस्ट्रिक्ट गोरखपुर उत्तर प्रदेश, ठीक है। इन विच स्क्रिप्ट इज सोहागोरा कॉपर प्लेट, तो कौन से स्क्रिप्ट में, देखो द इट इज सपोज टू बी फ्रॉम द मोरियन पीरियड, कौन से पीरियड का ये दिया हुआ है। द इंस्क्रिप्शन ऑन द इज इन ब्रह्मी स्क्रिप्ट, तो स्क्रिप्ट कौन सा है, ब्रह्मी स्क्रिप्ट। तो पूरा एक वर्ड में आंसर नहीं लिखना है, पूरे सेंटेंस बना के आंसर लिखना है। देन एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ सोहागोरा कॉपर प्लेट एट द सोर्स ऑफ हिस्ट्री। अभी ये कॉपर प्लेट से हमें क्या पता चलता है, सबसे पहले देखो ये क्या पता चलता है, ये मौर्यन पीरियड का है, ठीक है। इसके बाद देखो उसके ऊपर जो जो चीज लिखा है, ट्री इन द रेलिंग माउंटेन, ठीक है, और एक स्ट्रक्चर है उसके अंदर, 4 पिलर्स है स्ट्रक्चर है। तो इट इज सपोज टू बी इंडिकेटिव ऑफ अ ग्रीनरी, मतलब ग्रीनरी बनाया हुआ है कॉपर प्लेट के ऊपर। तो उसमें क्या समझ में आता है कि जब भी कलामिटीज आती है, नेचुरल कलामिटीज आती है, कोई प्रॉब्लम आता है, उसके लिए वहां के जो लोग हैं उन्होंने ग्रीनरीज में, ग्रीनरी मतलब क्या होता है, गोडाउन, जहाँ ग्रेन स्टोर होते हैं, फूड ग्रेन्स, ऐसे ग्रीनरीज बनाई थी जहाँ फूड ग्रेन स्टोर होता है, ताकि जब भी प्रॉब्लम आए तो प्रॉब्लम से बच सके और जो भी फूड ग्रेन्स वहां स्टोर किए थे वो लोगों में बांट सके। सो द इंस्क्रिप्शन रिकॉर्ड्स अ रॉयल ऑर्डर दैट द ग्रेन स्टोर इन द ग्रेनरी शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड केयरफुली। इट इज सपोज टू बी सजेस्टिव प्रिकॉशन टेकन इन द टाइम ऑफ फेमाइन। फेमाइन मतलब क्या, खाने की कमी। जब भी फूड ग्रेन्स की कमी होती है तभी
यूज करेंगे। तो इसके लिए कॉपर प्लेट पर देख के हमें पता चलता है कि हिस्टोरिकल टाइम में भी लोग फ्यूचर का सोचते थे और जो भी प्रॉब्लम्स है उसे बचने के लिए अलग अलग तरीके का सोल्यूशंस निकालते थे। जैसे एक प्रिकॉशनरी मेजर था कि ग्रेनरीज बनाएंगे और वहां ग्रेन स्टोर करेंगे। ठीक है, देन इफ यू गो आंसर इन डिटेल, इसमें से आपको दो लिखना है। हाउ कैन वी रिलेट अप्लाइड हिस्ट्री विद अवर प्रेजेंट? सो अप्लाइड हिस्ट्री एंड अवर प्रेजेंट, तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको अप्लाइड हिस्ट्री चैप्टर में मिल जाएगा, उसमें से आप देख सकते हो। राइट इन डिटेल अबाउट आकाश, हिस्ट्री ऑफ आकाशवाणी, मतलब आकाशवाणी के ऊपर देखो अगर आप जाओगे तो आकाशवाणी का जो हिस्ट्री है कि कैसे कैसे वो डेवलप होते गया, कैसे कैसे ब्रिटिशर्स ने कैसे एक्वायर किया, उसमें पूरा लिख दिया हुआ है, वो आप जाके देखोगे तो आपको पूरा आंसर उसमें से मिल जाएगा। ठीक है, सी रेडियो के बारे में आपको यहाँ दिया है, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी था पहला, उसके बाद वो ब्रिटिशर्स ने एक्वायर किया, इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस बन गया, उसके बाद ऑल इंडिया रेडियो बन गया और उसे गवर्नमेंट ने आकाशवाणी नाम दे दिया। तो ये पूरा आपको पूरा रेडियो के बारे में जितना दिया है वो पूरा लिखना है आपको आकाशवाणी के बारे में अगर पूछेंगे तो। ठीक है, देन एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन आउटडोर एंड इंडोर गेम्स। ये वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, आउटडोर गेम्स का क्या होता है, बाहर खेलते हैं, इंडोर गेम्स घर के अंदर खेल सकते हैं या कहीं बैठ के हम खेल सकते हैं, ये सब चीजें आपको लिखना है जो बेसिक कॉमन सेंस है या बेसिक जनरल नॉलेज है। व्हाट इज द प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज इन द टूरिज्म टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री? विद टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में हिस्ट्री स्टूडेंट्स को क्या अपॉर्चुनिटीज है, प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज से ये पूछा है। ऐसा प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज वाला क्वेश्चन आता है तो सब जो प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज वाले क्वेश्चन है हिस्ट्री टूरिज्म के ऊपर है या फिर मास मीडिया के ऊपर है या जो एंटरटेनमेंट वाला जो कुछ चैप्टर है उसमें जो भी प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज वाले क्वेश्चन है वो अच्छे से कर लो, उसमें से एक ना एक क्वेश्चन बोर्ड में आता है। ठीक है, सो अगर आप इसमें देखोगे तो यहाँ डायरेक्टली आंसर दिया है, देखो प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज इन द टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, ये जो भी दिया है इसमें से आपको पॉइंट्स बना के लिखना है। ठीक है, ये जितना भी दिया है आपको वहां से आप लिख सकते हो, यहाँ तक लिख सकते हो, तो जो भी आपको पता चलता है याद रहता है वो आप लिख दो। ठीक है, सॉरी यहां तक आपको लिखना है और नर्स तक लिखना है आपको। दिस कंप्लीट्स द हिस्ट्री पार्ट, देन वी विल गो टू सिविक्स और पॉलिटिकल साइंस। द एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी इज डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, जिसका करेक्ट आंसर है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। इन सॉरी इन प्री इंडिपेंडेंस पीरियड डैश ट्राइब ऑफ ओरिसा, ओरिसा का कौन सा ट्राइब है? गोंड ट्राइब है, करेक्ट आंसर है गोंड ट्राइब। गोंड ट्राइब फ्रॉम ओरिसा रिवोल्टेड अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश रूल। स्टेट वेदर द स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। ट्रू रहेगा तो भी रीजन देना है, फॉल्स रहेगा तो भी रीजन रहना है। द जजमेंट ऑफ कोर्ट ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स हैव मेड द पॉलिटिकल प्रोसेस ऑफ इंडिया मोर मेच्योर, तो कोर्ट डिसीजन ने पॉलिटिकल प्रोसेस को मेच्योर बनाया। इसके ऊपर एक डायरेक्टली एक पैराग्राफ भी आपको मिल जाएगा, उसमें से आपको लिखना है। ठीक है, यहाँ देखो दिया है द सिग्निफिकेंट जुडिशियल डिसीजन दिस एफर्ट्स मेड द पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया मोर मेच्योर, तो ये आपको लिखना है आंसर में। ठीक है, ये आपको आंसर में लिखना है रीजन, पहले तो आंसर लिखना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है, तो आंसर क्या है? ट्रू है। ट्रू क्यों है? तो ये रीजन आपको लिखना है ऊपर दिया जो मैंने हाईलाइट किया था। द स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड एज टू व्हेन एंड हाउ मेनी स्टेजेस इलेक्शन वुड बी हेल्ड इन पर्टिकुलर स्टेट, तो आंसर क्या है? फॉल्स, इट इज फॉल्स। कौन डिसाइड करता है? इलेक्शन कमीशन डिसाइड करता है, तो करेक्ट आंसर क्या है? इलेक्शन कमीशन। सिर्फ आपको यहाँ इलेक्शन कमीशन लिखना है और आंसर सेंटेंस पूरा करके उसका रीजन लिखना है। कंज्यूमर मूवमेंट केम इनटू एग्जिस्टेंस, तो इसका आंसर क्या है? यस ट्रू, कंज्यूमर मूवमेंट एग्जिस्टेंस में आया था। डायरेक्टली इसका आपको इसका आंसर मिल जाएगा अगर आप चैप्टर में जाओगे, यहाँ कंज्यूमर मूवमेंट के बारे में दिया हुआ है, कंज्यूमर मूवमेंट के बारे में आपको लिखना है। ठीक है, देन इफ यू गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, देन शॉर्ट नोट लिखना है मल्टी पार्टी सिस्टम के बारे में। मल्टी पार्टी सिस्टम के बारे में ज्यादा बड़ा आंसर नहीं है, जितना भी आपको टेक्स्ट बुक में दिया है उतना आप लिख सकते हो। ठीक है, अगर आप यहाँ जाओगे तो यहाँ देखो ये मल्टी पार्टी के सिस्टम के बारे में दिया है, जहाँ बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज होती है इंडिया जैसी, किसी एक पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिलती है और किसी एक पार्टी का डोमिनेंस नहीं होता है। यूएस में के साथ यूनाइटेड स्टेट्स में दो ही पार्टी है, उसे वो क्या बोलते हैं? टू पार्टी सिस्टम। चाइना में एक ही पार्टी है, तो दैट इज वन पार्टी सिस्टम। इंडिया में कैसे मल्टीपल पार्टीज है, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज कम्पीट करती है इलेक्शन में, सो दैट इज मल्टी पार्टी सिस्टम। ठीक है, नो पार्टी सिंगल पार्टी इज इन्फ्लुएंशियल। देन कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट, सॉरी देयर इज वन मोर क्वेश्चन, वाटर रिवॉल्यूशन। वाटर रिवॉल्यूशन के ऊपर अगर आप देखोगे तो यहाँ आंसर है, लास्ट चैप्टर में अगर आप जाओगे तो वहां आंसर दिया हुआ है। तो लास्ट चैप्टर में यहाँ एक पैराग्राफ है राजेंद्र सिंह राणा, राजेंद्र सिंह उन जी के ऊपर, डॉक्टर राजेंद्र सिंह, इनके बारे में आप लिख सकते हो। ये जो जो भी दिया है इसमें
ये वाटर रिवॉल्यूशन है, वाटर रिवॉल्यूशन ऑफ, इन्होंने राजस्थान में वाटर रिवॉल्यूशन किया था, तो ये ग्रीन का जो भी है वो आप लिख सकते हो, ठीक है। देन कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट, डू एज डायरेक्टेड कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट। तो प्रोसेस ऑफ इलेक्शन सीधा डायरेक्टली बोर्ड में से, सॉरी टेक्स्ट बुक में से उठा के दिया हुआ है ये चार्ट, आप सीधा वहां से लिख सकते हो, ये पूरा उसका आंसर है, ठीक है। ये आंसर है प्रोसेस ऑफ इलेक्शन, ये बोर्ड के एग्जाम में सीधा टेक्स्ट बुक में से दिया हुआ है। नेम द फोर कॉन्सेप्ट चार्ट, नेम द सॉरी रीजनल पार्टीज इन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के जो रीजनल पार्टीज है और उनके बारे में आपको लिखना है, तो ये सीधा उसका आंसर है। आप अगर एक पॉलिटिकल पार्टीज वाले चैप्टर में जाओगे तो यहाँ लास्ट में महाराष्ट्र के जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनका नाम दिया हुआ है, ठीक है। उसमें से आप कोई भी चार नाम लिख सकते हो, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, या शेतकरी कामगार पक्ष, या पीजेंट्स एंड वर्कर पार्टी, उसको मराठी में शेतकरी कामगार पक्ष बोलते हैं, या फिर शिवसेना, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, बहुजन महासंघ, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, ये जो भी इजी आपको लगता है, ये दोनों में से कोई भी आप चार लिख सकते हो, स्वाभिमानी पार्टी, ठीक है, या राष्ट्रीय समाज पक्ष, ये कोई भी आप लिख सकते हो। तो जो भी आप लिखो, चार लिखोगे तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएगा। दैट विच डिसीजन ऑफ द कोर्ट हैज रिजल्टेड इन द प्रोटेक्शन एंड ऑनर ऑफ डिग्निटी ऑफ वुमेन। इसका डायरेक्ट आंसर बोर्ड में दिया नहीं है, सॉरी बुक में दिया नहीं है, लेकिन आप क्या कर सकते हो कि जो फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर में अगर आप जाओगे तो यहाँ जो मैंने अभी ट्रू और फॉल्स में भी दिखाया था कि जो कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन है कोर्ट्स के, उसके बारे में दिया हुआ है, तो उसी पैराग्राफ में वुमेन के बारे में भी दिया है, सिग्निफिकेंट जुडिशियल डिसीजन, यहाँ अगर आप देखोगे तो प्रोटेक्शन ऑफ ऑनर एंड डिग्निटी ऑफ वुमेन, तो ये एक था, या उस जो भी चाइल्ड मैरिज को बैन करने वाला जो ब्रिटिशर्स ने स्टार्ट किया था, तो ये क्या इंपॉर्टेंट डिसीजन है। तो लास्ट ईयर भी 9th में, अगर आप 9th में अगर आपने देखा होगा तो उसमें भी वुमेन के बारे में दिया था, तो वो सब आप उसमें लिख सकते हो। बेसिकली क्या होता है कि जो वुमेन को अगर डाइवोर्स होता है वुमेन का, तो उसे पैसा मिलना चाहिए हस्बैंड से, तो ये सब चीजें कोर्ट ने डिसीजन दिया था कि अगर नहीं होता है तो कोर्ट डिसीजन देता है, तो उसके वजह से क्या होता है, गवर्नमेंट को वैसे एक्ट करना पड़ता है। तो ये वुमेन के डिग्निटी को प्रोटेक्ट करने के लिए कोर्ट ने ऐसे बहुत सारे डिसीजन दिए है, और जो भी कोर्ट ने डिसीजन दिया, कोर्ट जो डिसीजन देता है वो गवर्नमेंट को एक्ट करना पड़ता है, ठीक है। देन व्हाई व्हाई मूवमेंट्स नीड अ स्ट्रॉन्ग लीडरशिप। सो जो मूवमेंट्स का क्वेश्चन है, उसका डायरेक्टली यहाँ आंसर है बोर्ड, जो बोर्ड का सॉरी टेक्स्ट बुक है उसके अंदर उसका आंसर दिया हुआ है, वहां से आप रिफर करके लिख सकते हो। यहाँ अगर आप जाओगे तो सीधा यहाँ आंसर है, मूवमेंट्स नीड अ स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, लीडरशिप कीप्स द मूवमेंट एक्टिव, ऑब्जेक्टिव ऑफ द मूवमेंट प्रोग्राम ऑफ स्ट्रैटेजी, प्रोग्राम ऑफ एक्शन, स्ट्रैटेजी ऑफ एजुटेशन आर डिसाइडेड बाय द लीडर्स, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप मेक्स द मूवमेंट इफेक्टिव। ये जो भी दिया है आप लिख सकते हो, ठीक है। दिस वॉज द हिस्ट्री पेपर ऑफ 2022, द पेपर वॉज क्वाइट ईजी, कुछ क्वेश्चन टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज के बाहर से भी आए थे, लेकिन अगर आपने टेक्स्ट बुक ठीक से रीड किया है तो आप आसानी से क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर सकते हो। आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल टू यू। If you want this kind of videos, then subscribe to this channel and comment if you are having any doubts and share this video with your friends. Thank you for watching.